सलीम तुम्हारे जो बेटे हैं जोजी, अब तो वो भी फील्ड में ना? हाँ जी। एंड इज गुड? जबरदस्त, बेहतरीन। तो बाप बेटा जब साथ काम करते हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, उसके बल्कि काम करने से मेरा काम बेहतर हो गया है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बाहर स्टडी करके आया म्यूजिक की, कैनेडियन आर्ट से, और बाकायदा जिस तरह इंडियन लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं अकेडमीज में बाहर, और वहाँ से सही तरीके से तालीम दिलवा के फिर लेके आते हैं, फिर उनको शो करते हैं। देख लें, पहली मूवी आती है उन बच्चों की और वो हमें लगता है कि जैसे पता नहीं कितने अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, मगर वो प्रॉपर तरीका होता है वो काम करने का। तो यहाँ भी मेरे ख्याल हम लोगों को चाहिए कि जो सही तरीका है उसको अपनाएं, गलत तरीके से शुरू करना एंडिंग भी गलत होती है फिर उसकी। अच्छा सलीम, मेरे पास दो मेहमान हैं जी, ठीक है, और यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहूँगा और आपकी भी जो मुझे सुन रहे हैं। शो का नाम है मुमकिन ही सब कुछ है। पैदाइशी थैलेसीमिया के मरीज हैं, तीन में से दो भाई इनके घर में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं। मुख्तलिफ एनजीओ के साथ मिलकर थैलेसीमिया के मर्ज के लिए काम कर रहे हैं। उम्र 20 साल है लेकिन दिखने में नहीं लगते। जानकर खुशी होगी कि वो सीए कर रहे हैं। आला। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बच्चे ने मुझे बहुत मुतासर किया था। ये जब आया तो मैंने इससे कुछ सवालात किए। ही वाज ऑलवेज वेरी विटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर जैद राव। मेरा नाम जैद है और ये मेरी कहानी है। मेरी कहानी में न तो कोई दुख है न शिकायत है। मेरी कहानी में अगर आपको मिलेगा तो एक इरादा मिलेगा, एक अज़्म मिलेगा, एक प्रॉमिस मिलेगा। यस, इंजेक्शंस लगते हैं, यस मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मैंने न तो उम्मीद छोड़ी है और ना जीना छोड़ा है, क्योंकि दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे आगे बढ़ना है और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि इन सारी मुश्किलात, सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मैं हर वो काम कर सकता हूं जो एक आम आदमी कर सकता है। अच्छा, ये बड़ी गलत बात है। हम सब के लिए खड़ा हुआ जाता है, जैद के लिए भी खड़ा हुआ जा सकता है। जोर से, वेरी गुड। जैद, अच्छा थैंक्स टू ऑल। ये बताओ तुम्हें डांसिंग आती है? बिल्कुल आती है। आती है साथ, लेकिन आपके साथ करूं? अरे मेरे साथ ही करना, तो मेरे साथ ही करना। लगाएं जी, लगाएं। इसको बोलते हैं शो, इसको बोलते हैं कि, अच्छा ये बताओ, छोड़ो सोफे वोफे बैठना, नहीं बैठते, मुझे ये बताओ कि, नहीं यहाँ पर नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि जब तुमको पता चला कि तुम थैलेसीमिया के मर्ज में हो तो कितनी देर हो गई थी? जाहिर सी बात है कि 4-5 साल की उम्र से बच्चे को वो तकलीफ महसूस होना शुरू होती है। इसको पता चलता है कि वो एक ऐसे माहौल में आया हुआ है कि जहाँ पे उसको अब सुई लगनी है थोड़ी देर बाद। उसको शऊर है कि अब ये जो बंदा आ रहा है मेरे पास, ये नर्स आ रही है तो ये मुझे अभी सुई लगाएगी। तो उससे पहले ही वो जो है रोने की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, हाथ पाँव हिलाना स्टार्ट कर देता है। फिर लेकिन जब थोड़ी बड़ी उम्र में आता है तो फिर वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब ये मेरा लाइफ टाइम साथ है। तो फिर उस रिश्ते से, उस नर्स से, उस सुई से, उस ब्लड से, उस माहौल से वो दोस्ती कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हिम्मत, ये सारी बातें बाद में करेंगे, तुम्हारे अंदर थोड़ी एक्टिंग है, लगता है थोड़ी एक्टिंग है तुम्हारे अंदर। आर्टिस्ट सही है ना? है आर्टिस्ट। तो सोचो तुम्हें कौन पसंद है, कौन पसंद है हीरोइन, कौन पसंद है? यार ये आप जो है ना,
बोलना यार क्या है? एक थोड़ी है यार, बहुत है। अच्छा अच्छा, जो सबसे ज्यादा पसंद है फेवरेट? करीना कपूर। समझो ये करीना कपूर है। इधर बैठ जा सलीम, बैठ जा सलीम, सलीम एक मिनट बैठ। सैफ अली खान। सलीम ठहर जा यार, सैफ अली खान आ जाएगा। सलीम छोड़ दे, एवे सैफ अली खान बैठो। कतरीना प्लीज। अब इतनी दाढ़ी हो। अरे बैठना यार, बैठ बैठ। कतरीना एक है, वो है करीना। करीना करीना बस वो मुझे अली खान क्यों यार चल पड़ा है वहां से बता रहा हूं। ओके ओके, दिस इज करीना कपूर यार। कितना शौक है खुद खुद को। आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम नॉट एक्टिंग। भी कतरीना भी मेहमान बने यार तुम। अब यू आर होस्टिंग द शो। अच्छा होस्टिंग द शो, आपकी खुशी के लिए कुछ भी बन जाएंगे सर। इनके खुशी के लिए, इनके खुशी के लिए, आपकी खुशी, इन लोगों की। और आप लोगों ने फैसला करना है उन्होंने एक्टिंग कैसी की है, ठीक है? सही है ना? किसने बोला सही है? आई लव यू फॉर दैट, जोर से सही है। गुड गुड ओके, आ जाओ भाई। तैयार हो तुम? खा मत जाना इन्हें। अब डायलॉग जो है वो सिर्फ इतने हैं कि ये बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम लेट हो गए हो क्योंकि तुम्हें कहीं और भी जाना था, लेकिन ये जानती हैं कि तुम कतरीना के पास से होके आए हो, ठीक है? तो शी, अरे हाँ, कतरीना के पास से होके आया है, ये करीना है। ओके गुड गुड, तुम कतरीना के पास से होके आए हो, रणबीर से तुम्हारा झगड़ा हो चुका है, ठीक है? और अगला टारगेट सैफ। हाँ, अगला टारगेट सैफ है। अगला टारगेट डेफिनेटली सैफ है, डेफिनेटली सैफ है। तुमने इन्हें यकीन दिलाना है कि तुम सिवाय इनके किसी और से प्यार नहीं करते, और तुम्हें सिर्फ अदाएं दिखानी है कि तुम इनकी मोहब्बत पर यकीन नहीं कर रही हो। करीना का गाना कौन सा है? शीला की जवानी करीना का नहीं है? सारे गड़बड़े। बेबो बेबो, हल्का सा बेबो। बेबो मैं बेबो, हाँ बेबो, दैट बेबो, दैट बेबो। साइलेंस यार, और मैं कैमरे के एक बस हल्का सा, मैं कैमरे के पीछे जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है? आपका ये सीन है, हट जाइए, कैमरा दीजिए मुझे। ओके जी, 1 2 3। अरे तुम तो फ्रेम में नहीं हो, अंदर हो फ्रेम के। एंड गोविंद कुमार, आर यू रेडी? तुम्हारा नाम है गोविंद कुमार? रेडी। ओके, हियर वी गो, एक्शन। करीना, अरे आप आ गए। मुझे पता था कि तुम मेरा शिद्दत से इंतजार कर रही होगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। देखो तो हम मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमियां रहें। अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूँ हम सारी ख्वाहिशों को दूर करके और एक सुनहरे से माहौल में सुनहरी सी बातें करेंगे। मुझे तुम्हें पहले पालना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, वो बड़े पैसे खर्च होंगे और मैं इतनी मसरूफ हूँ, फिल्में इतनी सारी हैं, मैं तुम्हें कैसे बड़ा करूँगी? अब तुम तो एक्टिंग भी नहीं करने आती। मैं जान करके करता अंदर से ये सारी अंदर से